हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल प्रॉफिट काट। यहाँ बात होती है आपकी प्रॉफिट की दोस्तों। तो जैसा कि ये हम अपने चैनल पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, कल ही मैंने वीडियो टेगा इंडस्ट्रीज के आईपीओ के लिए डाला है दोस्तों। आप इसको चेक इट आउट कीजिए, इस वीडियो को देखिए दोस्तों, आपको इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। आप टेगा इंडस्ट्रीज को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, पूरे डिटेल्स, फाइनेंशियल्स, एवरीथिंग मिलेंगे दोस्तों। उसके साथ साथ हमारी बहुत सारी सीरीज चलती है, जैसे कि स्विंग ट्रेड की सीरीज चलती है, डेली मार्केट एनालाइज करते हैं हम दोस्तों। और स्विंग ट्रेड के ट्रेड सीरीज में जैसा कि बहुत लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, अभी तक सारे के सारे स्टॉक्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म किए हैं। उसके साथ साथ जो डेली मार्केट सीरीज है दोस्तों, 1 मिनट में पूरे मार्केट का हाल दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज मार्केट कैसा रहा और कल कैसा काम करेगा दोस्तों, ईच एंड एवरीथिंग देख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, इसको मिस मत कीजिए दोस्तों। आप पूरा अच्छे से चेक इट आउट कीजिए दोस्तों, और प्लीज दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में दोस्तों, एक एक रिसर्च करके तब जाके वीडियो बनाते हैं दोस्तों। तो प्लीज दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन को दबाएं दोस्तों, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाता हूं दोस्तों आप देख सके कि वो आपके लिए कितना फायदेमंद है दोस्तों। और प्लीज चेक इट आउट कीजिए टेगा इंडस्ट्रीज के आईपीओ के साथ साथ, सब कुछ देखिए इसमें जो मार्केट एनालिसिस है, एवरीथिंग दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, टाइम न बर्बाद करते हुए आज बात करते हैं जिस शेयर की हम लोग बात कर रहे हैं, वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स दोस्तों। नाम आप जरूर सुने होंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात किया जाए तो 49,548 करोड़ की कंपनी है दोस्तों, मीन्स एक लार्ज कैप कंपनी है। अगर अभी करेंट प्राइस की बात किया जाए तो 203 पे काम कर रही है दोस्तों। पी रेशियो थोड़ा 21.6 है, बट काफ़ी वेल एंड गुड है, क्योंकि जिस तरीके का इसका काम है इतना पी रेशियो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर भी ये सम आउट अगर 15 के आसपास हम लोग को मिल रहा होता तो बहुत ही अच्छा होता। आप इंडस्ट्री पी देख लीजिए दोस्तों, 25.6 है दोस्तों। उसके साथ साथ बुक वैल्यू 47.1 का है, जो कि ठीक है। अगर आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात किया जाए तो 19.9 अप्रॉक्स 20% कह सकते हैं, और रिटर्न ऑन कैपिटल भी 27.9% है, जो कि बहुत ही अच्छा है दोस्तों। इस लिहाज से जिस तरीके की ये कंपनी है दोस्तों, उस हिसाब से बहुत ही अच्छा है। अगर डिविडेंड की बात किया जाए तो 1.97% डिविडेंड है, जो बहुत ही अच्छा माना जाएगा दोस्तों। अगर बेल स्टैब्लिश की बात किया जाए तो 1954 में स्टैब्लिश हुआ था दोस्तों। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि कंपनी इतनी अच्छी है दोस्तों, आप देख सकते हैं 7.5% टर्नओवर, 7.5% टर्नओवर इसके सिर्फ आरएनडी में खर्च होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में दोस्तों, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 82% ऑफ टर्नओवर फ्रॉम डिफेंस, इसके जो 82% टर्नओवर आते हैं वो डिफेंस से आते हैं दोस्तों। अभी करेंटली दोस्तों इसको ऑर्डर मिला है बहुत सारी चीज़ों का, जैसे 52,148 करोड़ का दोस्तों ये एक फ्रेश ऑर्डर मिला है, ये एक बहुत बड़ा है, जिसमें इसको नेवल फायर कंट्रोल सिस्टम बनाना है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम बनाना है। मेनली ये डिफेंस को इक्विपमेंट सप्लाई करता है, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये कंपनी कितनी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और एक पीएसयू कंपनी है, मीन्स पब्लिक सेक्टर कंपनी, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे डिफेंस फोर्सेस से, हमारे आर्मी को, हमारे नेवल्स को, हमारे एयर फोर्सेस को उस तरह के इक्विपमेंट प्रोवाइड करता है, जो इक्विपमेंट उनको उनके सर्विलेंस में, उनके सुरक्षा में, उनके सभी चीज़ों में हेल्प होता है दोस्तों। तो उस तरीके का ये इक्विपमेंट बनाता है। कितनी इसकी ग्रोथ है आप देख सकते हैं, अभी इंडिया का जो डेमोग्राफी है आप देख सकते हैं, पाकिस्तान है, चाइना है, सो जिस तरीके का अगर सिचुएशन बना हुआ है दोस्तों, उस सिचुएशन में हमें अभी डिफेंस सिस्टम पे खर्च करना ज़रूरी है दोस्तों। और उस स्थिति में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का जो ग्रोथ है आप देख सकते हैं, एक मार्वेलस ग्रोथ होगा दोस्तों। उसके साथ साथ अब एक बहुत ही इसमें पॉजिटिव पॉइंट लगा जो मैं आपको और बताना चाहता हूं, कि अभी ये फिलहाल 10% नॉन डिफेंस से 10% रेवेन्यू ये जनरेट करता है, मीन्स 7% रेवेन्यू जनरेट करता है। और इसका 2 to 3 years में, नियर में इसका टारगेट है कि इसको 15% तक ले जाया जाए नॉन डिफेंस से। ये एक बहुत पॉजिटिव बात है, क्योंकि सिर्फ डिफेंस सेक्टर पे ये नहीं रिलाई कर रहा है, उसके अलावा भी नॉन डिफेंस से ये कमाना चाह रहा है, तो ये एक अपने आप में इस कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है। आइए इसको डिटेल में देखते हैं दोस्तों, इस कंपनी के बारे में एवरीथिंग देखते हैं दोस्तों। अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात किया जाए दोस्तों, तो आप देख सकते हैं सिर्फ 1 जून 2021 क्वार्टर में अगर आप ये एक फॉल देख रहे हैं, जो पिछले कुछ क्वार्टर से एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला है, इवन प्रॉफिट में भी एक बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिला है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि इस टाइम में सेल्स में जून 2021 में बहुत ज़्यादा डिप्लेट हुआ है, चाहे वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का ले लिए, इसके जो भी पीर कंपैरिजन है आप सबका देख सकते हैं दोस्तों,
इस क्वार्टर में एक बहुत ज्यादा ड्रेस्टिक तरीके से सेल्स में एक गिरावट आया है। बट ओवरऑल आप देखिए दोस्तों, अगर फिर से अपने आप को सितंबर 2021 में एक अच्छे सेल्स के साथ स्टैंड किया और एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी निकाला है दोस्तों, अगर इसका कंपेयर सितंबर 2021 का सितंबर 2020 से किया जाए तो आप देख सकते हैं, या फिर सितंबर 2019 से भी किया जाए तो देख सकते हैं, एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है दोस्तों, तो इसको बहुत ही अच्छा माना जाएगा। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं दोस्तों। एक लॉन्ग रन में आप देखिए 2010 में जो सेल्स 5364 करोड़ का कंपनी करती थी वो अभी 14109 करोड़ का करती है, मीन्स ट्रिपल किए अपने सेल्स को। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और अभी डिफेंस सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ बाकी है दोस्तों, क्योंकि अभी हमारा जो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो हमारा अभी डेमोग्राफी है, जिस तरीके की इंडियन सिचुएशन है, उसके तरीके से हम लोगों को डिफेंस में और भी सशक्त होना होगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग को टू फ्रंट वॉर के लिए हमेशा तैयार रहना होगा, क्योंकि ये एक चीज़ें हैं कि हाँ हम लोग तैयार रहें, भले ही वो कभी ना हो वो बहुत अच्छी बात है, बट हम लोग को रेडी जरूर रहना होगा टू फ्रंट वॉर के लिए। तो उसके लिए हमें डिफेंस इक्विपमेंट में भी बहुत सारे ग्रोथ की ज़रूरत है दोस्तों। अगर वही प्रॉफिट की बात किया जाए तो 737 करोड़ रुपीज से लेकर के 2099 करोड़ रुपीज तक 10 ईयर्स में 11 ईयर्स में इसने ग्रो किया है, लगभग 3 times ये भी है दोस्तों। तो ये एक बहुत पॉजिटिव बात है कि बॉटम लाइन एंड टॉप लाइन बोथ आर इंक्रीजिंग वेरी वेल दोस्तों, बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। उसके साथ साथ बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं दोस्तों कि बोरोइंग्स है ही नहीं कंपनी के पास, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, और रिजर्व्स कंपनी के बढ़ते ही जा रहे हैं, पिछले 10 years में रिजर्व को भी 3 times किया है दोस्तों। तो कंपनी ऐसी होनी चाहिए दोस्तों कि हाँ ईच एंड एवरीथिंग, ROE अच्छा हो, ROC अच्छा हो, सब कुछ, मतलब सेल्स अच्छा हो रहा हो, प्रॉफिट अच्छे हो रहे हो, कंपनी का स्कोप आगे में अच्छा हो, तो ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करने में अच्छा लगता है दोस्तों। हालांकि आप नीचे आइए दोस्तों, अगर कैश फ्लो की बात किया जाए तो वो भी पॉजिटिव है दोस्तों, जो कि बहुत अच्छा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी पॉजिटिव है और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एक अच्छा खासा ग्रोथ भी देखने को मिला है। थोड़ा सा बात किया जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो हाँ प्रमोटर ने शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा सा घटाया, बट आप देख सकते हैं दोस्तों प्रमोटर में मेनली इंडियन गवर्नमेंट ही है दोस्तों, आप देख सकते हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न को घटाया, बट आप देख सकते हैं FIA और DIA का हमेशा से सपोर्ट रहा है इस कंपनी में हमेशा से, और DIA तो एक बहुत ज़्यादा मात्रा में DIA का इसमें एक तौर पर स्टेक रहा है, अभी तो 28% स्टेक चल रहा है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पब्लिक की बात किया जाए तो पब्लिक के पास तो अभी करेंटली 4.81% है मात्र, जो कि बहुत कम है दोस्तों, बहुत कम है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी आपका कहा जाए तो बहुत ही अच्छा है शेयर होल्डिंग पैटर्न, ओवरऑल इसके फाइनेंशियल्स आप कह सकते हैं 4 out of 5 है दोस्तों, मतलब अभी तो बहुत ही अच्छी चल रही है कंपनी, स्कोप भी कंपनी का अच्छा है, अभी फिलहाल तो 10 to 15-20 years में बहुत ही अच्छा स्कोप है कंपनी का दोस्तों, डिविडेंड भी देती है, ईच एंड एवरीथिंग ठीक है। अब देखते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस कैसे हैं दोस्तों और किस तरीके के, उससे पहले टेक्निकल एनालिसिस देखने से पहले इसमें एक बहुत अच्छा भी न्यूज आया है दोस्तों, उस न्यूज पे बात करते हैं दोस्तों। एयरबस साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट अभी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से फॉर C295 एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए दोस्तों। ये बेसिकली एक आप कुछ इक्विपमेंट इंडियन गवर्नमेंट को बनाना है दोस्तों, जो हमारे ही देश में मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत बनेगी, जिसमें एयरबस हम लोग का हेल्प करेगा दोस्तों, हम लोग का नहीं मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का हेल्प करेगा दोस्तों। आप देख सकते हैं ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है दोस्तों, तो ये इस तरीके के अगर पार्टनरशिप हुए हैं BEL और एयरबस में, तो एक बहुत ही सुनहरा मौका है BEL के लिए और एडवांस इक्विपमेंट बनाने का और वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर का दोस्तों, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे हमारी जो भी कंपनी है इंडिया की, वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है R&D में, या हम लोग खुद सशक्त है सब कुछ बनाने में, लेकिन अगर हम लोगों की इस तरीके का हेल्प मिलता है अगर बाहर के कंट्रीज से या फिर दूसरे कंपनियों से, तो ये एक बहुत पॉजिटिव बात है। और एयरबस का ये साइन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दोस्तों, तो ये एक बहुत ही अच्छा बात है। मेनली इसमें आप जो प्राइमरी मैन्युफैक्चर एडवांस इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो बहुत ही अच्छा, इसमें कोई डाउट नहीं, इस तरीके का अगर डील मिल रहा है तो काफ़ी अच्छा है दोस्तों। आइए इसके टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं कि अभी ये शेयर कहाँ है और इसके आगे का स्कोप क्या है। उससे पहले एक चीज़ और मैं बता दूं दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसका जो भी प्रोडक्ट्स है दोस्तों, डिफेंस कम्युनिकेशन प्रोडक्ट, लैंड बेस्ड रडार, नेवल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, मीन्स बहुत ही अच्छा, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, वेपन सिस्टम्स, एवरीथिंग, मतलब
एक बहुत ज्यादा मतलब एक डिफेंस, जैसे जो हमारे बॉर्डर पे जो जवान लड़ रहे हैं उनके पीछे जो इक्विपमेंट लगता है, जिस तरीके का उनको बचाने के लिए, उनको डिफेंस करने के लिए, उनको अटैक करने के लिए जो भी चीजें की जरूरत होती है वो ये कंपनी सप्लाई करती है। तो आप इससे इस कंपनी का महत्व देख सकते हैं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसके लिए बाहर बाहर से टाई अप्स भी कर रही है दोस्तों, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। अब बात करते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस की कि क्या अभी ये लेने लायक है या क्या नहीं है दोस्तों। तो टेक्निकल एनालिसिस की बात किया जाए तो मैं आपको बता दूं टेक्निकल एनालिसिस में, अभी मैं इसको खोलता हूं आपको दिखाता हूं कि टेक्निकल एनालिसिस की क्या स्थिति है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये एक बहुत ही अच्छे एक चैनल पैटर्न पे काम कर रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये एक चैनल पैटर्न पे काम कर रहा है जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे रेसिस्टेंस खाया एक बार दोस्तों, उसके बाद फिर वापस आया, वापस से रेसिस्टेंस खाया, फिर नीचे आया, फिर वापस यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर में रेसिस्टेंस खाया, फिर नीचे आके सपोर्ट लिया, अगेन अप, अगेन नीचे आके सपोर्ट लिया, और अब अप की ओर। आप यहाँ से बोलने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों कि आगे लाइन कहाँ ड्रॉ होगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं आप इसमें टारगेट जो रख सकते हैं अपसाइड टारगेट रख सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा अपसाइड टारगेट आपको देखने को मिलेगा अभी इस कंपनी में दोस्तों। स्टॉप लॉस तो होना ही नहीं चाहिए ऐसी कंपनी के लिए दोस्तों, कोई स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है। आप बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा सा अगर लॉन्ग रन के लिए रखना चाहते हैं तो आप इसको मूविंग एवरेज को एक स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। बहुत ज्यादा अगर आप लॉन्ग रन 1 ईयर्स के लिए, आसपास 6 मंथ 8 मंथ के लिए रखना चाहते हैं तो मूविंग एवरेज के ऊपर जब तक है, क्योंकि आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज भी एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव चल रहा है, मतलब एक अपसाइड दे रहा है मूविंग एवरेज में भी। तो आप देख सकते हैं मतलब स्टॉप लॉस आपका ऑटोमेटिक ट्रेल होता चला जाएगा दोस्तों। अभी ये 2204 प्राइस पे है दोस्तों, मैं तो कहूंगा कि इससे जितना नीचे में मिल जाए दोस्तों, 202 200 में मिल जाए तो और अच्छी बात है दोस्तों, 19 200 के नीचे मिल जाए तो बेहतरीन है दोस्तों। और इसका टारगेट की बात किया जाए तो एकदम तुरंत में जो टारगेट कहा जा सकता है, आप एकदम तुरंत में ये टारगेट रख सकते हैं दोस्तों। आप ये देखिए ये तुरंत का टारगेट है, एकदम से अभी के अभी कुछ दिनों में 1 मंथ 2 मंथ में आपको आराम से 13% 14% का एक टारगेट मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ डिविडेंड यील्ड करती है, सब कुछ करती है कंपनी, तो इसमें रहा जा सकता है। एक अपना एक छोटा सा स्टेक बना के इसमें लॉन्ग रन के लिए 5 इयर्स 10 इयर्स का भी एक ग्रोथ रखा जा सकता है दोस्तों। और जो आदमी इसको 6 मंथ के लिए होल्ड करना चाहते हैं वो आराम से इसमें 250 260 से ऊपर का टारगेट रख सकते हैं दोस्तों। मीन्स 5 to 6 मंथ में ये तकरीबन 25 to 30% का आपको टारगेट देगा दोस्तों, धीरे धीरे करके इसमें पोजीशंस बनाए दोस्तों। और ये वैसा स्टॉक नहीं है कि कल के कल 5% या 6% चला जाए और कल के कल आपको बहुत अच्छा उस तरीके का आपको रिजल्ट दे, लेकिन इसमें ये है कि आप इसमें रह सकते हैं दोस्तों और लॉन्ग रन के लिए रह सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत ही एक चैनल पैटर्न में दोस्तों काम कर रहा है, और ये चैनल पैटर्न अगर टूटता है, अगर जो आदमी एकदम शॉर्ट टर्म के लेना चाहते हैं तो ये चैनल पैटर्न अगर टूटता है तो वो उससे निकल सकते हैं। ऐसे एक स्टॉप लॉस 190 के आसपास का भी है दोस्तों, मगर मैं कहूंगा कि इसमें स्टॉप लॉस की कोई जरूरत ही नहीं दोस्तों, क्योंकि स्टॉप लॉस जो होते हैं ना दोस्तों वो आपके फाइनेंशियल्स पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितने पैसे हैं, कब तक के लिए आप लगाना चाहते हैं और आपके क्या उसके उसके लिए रिटर्न की आपकी उम्मीद है दोस्तों। उस हिसाब से टाइम वैल्यू, टाइम के हिसाब से और आपके पैसे के हिसाब से स्टॉप लॉस लगते हैं कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो ये एक इन्वेस्ट वाला भी स्टॉक है जिसमें आप 5 to 10 इयर्स तक इसमें रख सकते हैं, एक बढ़िया आपको रिटर्न भी देगा दोस्तों। और आप अभी फिलहाल एक अच्छे जगह पर ट्रेड कर रहा है दोस्तों, तो इसमें एक अच्छे खासी टारगेट देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो इसी के साथ साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं दोस्तों। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, दोस्तों को बताएं, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने, तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।